तो दोस्तों अब हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है सभी में अब ओपन काउंसलिंग चलेगी, जिसे आप ओपन काउंसलिंग भी बोल सकते हैं या फिर आप उसे ऑफलाइन काउंसलिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपका अभी ऑनलाइन काउंसलिंग चला था, टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से दो ही आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियर कर रहे हैं या फिर आपने लेटर एंट्री बेस पर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, अब आपकी ओपन काउंसलिंग होगी। जितने भी स्टूडेंट अभी बचे हैं जिनको अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन नहीं मिला है, तो उसके पास अभी चांस है कि आप ओपन काउंसलिंग चलेगी और उसमें अपना वो एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका रैंक ज़्यादा हो या फिर कम हो। जिन भी स्टूडेंट का नंबर नहीं पड़ा तो उसमें ओपन काउंसलिंग में नंबर पड़ जाएगा। अब ये ओपन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और कैसे होगी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइस देखिए, आपको साइट पर डिप्लोमा शेड्यूल पीडीएफ इस तरह से कुछ दिया हुआ था। सबसे पहले जो आपका यानी डिप्लोमा इंजीनियर 10th बेस पे था, उसका जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग की डेट जो थी ये थी आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर 16/8 को स्टार्ट हो गई थी और सेकंड जो काउंसलिंग थी वो 7/9/2022 को स्टार्ट हो गई थी। जो इसका एंड हुआ था वो होता 16/9/2022 और आज तारीख हो चुकी है 18, तो आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा जो आपकी सेकंड जो ऑनलाइन काउंसलिंग थी लेटर एंट्री बेस पर, यहाँ पर लिखा हुआ डिप्लोमा इंजीनियर लेटर एंट्री बेस, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग हुई थी ये हुई थी 20/7 को स्टार्ट हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग, और जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी वो आपकी 8/9/2022 को स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा इस काउंसलिंग का जो एंड होगा 21/9/2022 को हो जाएगा, और लेकिन अभी आज 18 तारीख यानी इसका अभी टाइम पड़ा है और लास्ट यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी ऑफलाइन या फिर आपकी ओपन काउंसलिंग होगी, जो मैंने आपको उसमें डेट बताई है 10th बेस पर या फिर लेटरल एंट्री बेस पर, जैसे ही वो 10th बेस की यहाँ पर ख़त्म होगी थी सेकंड काउंसलिंग ऑनलाइन, उसके 2 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपको 10th बेस पर आपको हरियाणा में जितनी पॉलिटेक्निकल हैं, जिस भी पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा था, तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में और वहाँ पर जाना पड़ेगा और आपको अपने साथ अपने मार्कशीट, फ़ोटो, अपना जो आपका डोमिसाइल है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था वो भी आपको साथ ले जाना है। वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का पॉलिटेक्निकल का फॉर्म होगा जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपकी कास्ट क्या है, देन नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस किस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा ट्रेड फिलअप करिए ताकि आपका उस ट्रेड में नंबर नहीं पड़ा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो अदर में नंबर पड़ जाए और आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से अपना डिप्लोमा पास आउट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा और आपको ओपन काउंसलिंग के बारे में पूछना है कि ओपन काउंसलिंग कब होगी। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप लेटर एंट्री बेस में आपने फॉर्म फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन किया है, ऐसे ही दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसकी जैसे काउंसलिंग ख़त्म होगी, सेकंड काउंसलिंग, उसका भी टाइम पड़ा है और जैसे ही वो ख़त्म होगी देन उसके बाद ओपन काउंसलिंग या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी हरियाणा पॉलिटेक्निकल है सबकी जो डेट है वो डिफरेंट हो सकती है, किसी किसी कॉलेज की सेम डेट होगी, तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा, खुद से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको साथ ले जाएं, सर्टिफिकेट, जो भी आप पास आपने लास्ट ईयर किया है, आपने 10th किया या फिर आपने प्लस टू आपने लास्ट ईयर पास किया है, वो सभी अपना आधार कार्ड, फोटो वगैरह आपको साथ ले जाना है, जो डॉक्यूमेंट आपको पहले मैंने बताए हैं, और वहाँ पर आपको सेम फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर इनके बारे में पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा और फॉर्म सबमिट करना है, उस फॉर्म के अंदर आपको अपना नंबर भी देना है, नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका रैंक या फिर आपके मार्क्स के हिसाब से आपको जो ट्रेड कॉलेज देगा तो आपके पास कॉल करेगा कि आपको ये ट्रेड मिली, आप लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते, तो आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और जो आपको ट्रेड चाहिए तो आप यस बोलोगे, वो आपका लॉक हो जाएगा और देन उसके बाद आपको वहाँ पर अपना फीस सबमिट करना होगा अपनी क्लास के लिए, एडमिशन के लिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं
जो कि हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं हरियाणा को छोड़कर, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जिनकी पॉलिटेक्निकल है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उनसे काफ़ी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो वो कैसे पता करें, उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले देखिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो भी है, आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र में गूगल ओपन करिएगा और यहाँ पर जिस मैं आपको थोड़ा सा नाम बता देता हूँ, जैसे कि जिस पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि ओपन काउंसलिंग का पता करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीलो खेड़ी पॉलिटेक्निकल, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। या फिर जो भी आपको नाम पता है उसकी वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपको कॉलेज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग है, इस तरह के हॉस्टल बने हुए हैं। इसके अलावा नीचे जैसे आप जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कहीं ना कहीं पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, या फिर आप मान लीजिए अबाउट में जाओगे, अबाउट में तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट अस के नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो देन जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप उस पॉलिटेक्निकल के अंदर कॉल कर सकते हो, यहाँ पर कॉल का नंबर दिया गया जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको कॉल का नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको ईमेल मिलेगी, आप ईमेल भी कर सकते हो। देन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर, कॉन्टैक्ट अपना नंबर दे सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल का अपना मेल दे सकते हो, और कमेंट में अपने आप क्वेश्चन लिख सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो वापसी आपको जवाब मिलेगा पॉलिटेक्निकल की तरफ से। इसके अलावा अगर मैं दूसरी पॉलिटेक्निकल लूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अम्बाला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है ना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ पर आ चुका है, तो आप इस तरह से आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, यानी जो भी आप हरियाणा में जितनी पॉलिटेक्निकल है उसका नाम लिख के आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अबाउट अस का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं तो आपको अबाउट अस या फिर कॉन्टैक्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर आपको पॉलिटेक्निकल का जो है आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे हेल्प में मिल चुका है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन, तो आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए फ़ोन नंबर भी मिल चुका है, देन आपको यहाँ पर मेल आईडी भी मिल चुकी है, आप मेल भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। यानी कि जिस भी पॉलिटेक्निकल का आप ओपन काउंसलिंग या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहते हैं कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप उनके पास कॉल कर सकते हो, यानी आप दूर बैठे भी पूछ सकते हो उस पॉलिटेक्निकल के बारे में। आप दिन में कॉल करिएगा और जो भी जानकारी लेनी है आप उनसे लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका रैंक ज़्यादा है फिर आप एक से ज़्यादा कॉलेज में विजिट करिए या फिर फॉर्म भरिए, ताकि आपका किसी ना किसी कॉलेज में आपका नंबर पड़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपका नंबर पड़ जाए, क्योंकि दोस्तों एक डिप्लोमा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। 2 से 3 साल का डिप्लोमा होता है, लैटरल एंट्री बेस पर 2 साल का होता है और 10th बेस पर यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो अगर आप पास आउट कर लेते हो तो आपका अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और आपको सैलरी पैकेज जो है सालाना काफ़ी अच्छा मिलेगा। काफ़ी डिमांड होती है अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से अगर आप डिप्लोमा कर जाते हो पास आउट, अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइवेट डिप्लोमा से, प्राइवेट की डिमांड जो है कम है लेकिन गवर्नमेंट की डिमांड ज़्यादा है, और काफ़ी कंपनी में आपसे गवर्नमेंट का ही डिप्लोमा पूछा जाता है, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से ही प्लेसमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, ये तक पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ओपन काउंसलिंग कब चलेगी, तो आपको मैंने बता दिया है, ईजिली सा आपको मैंने तरीका बताया है, उसे आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।